नमस्कार, मैं हूं ममता कुमारी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। दिनेशपुर के विजयनगर गांव में गेहूं की पकी फसल को आग लगने की वजह से लगभग 8 से 10 एकड़ खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय किसानों का कहना है कि आग लगने की वजह नशेड़ी लोगों द्वारा बीड़ी सिगरेट पीकर फेंकना हो सकता है। वहीं इसे देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि घंटों पहले सूचना मिलने के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। वहीं सूचना मिलने पर क्षेत्र के विधायक राजकुमार ठुकराल ने मौके पर पहुंचकर किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। दिनेशपुर से संवाददाता मयंक अग्रवाल की ये रिपोर्ट। आग लगा उसमें, हम टावर में रहते हैं, वो मतलब फोन उठाया नहीं, और बाद में कहा कि मतलब सिपर पहुंच गया, और सिपर पहुंच के आज आता थे कम से कम यहाँ आग बुझ गया तब आया, आने से काज नहीं है। इसी से आग लगा था, यहाँ से हम वहाँ से मतलब टावर से देखें क्या लग गया था, हम फोन किए पहले ना भाई, मतलब फोन कर देते हैं 108 के बुझा देगा, आया नहीं। अभी आगे वहाँ लगा हुआ है, अब आके थोड़ी कुछ करेगा। हमारी यहाँ पर 1.5 एकड़ ज़मीन मैंने पैसे से ठेका ले रखा है, नेता नगर वाल शीशीर का खेत है, और मैं घर पे था। आग कैसे लगी ये मुझे जानकारी भी अभी तक आया नहीं। अब आदमी सब आदमी जानकारी ले रहा है कैसे लगा क्या हुआ। यहाँ जितने भी आदमी थे सबकी गेहूँ खड़ा था, अब एक दो दिन में कटने वाली थी, अब किसी को गेहूँ अभी तक कटा नहीं, सब यहाँ गेहूँ जल गया। और आदमी यहाँ की हर गांव का आदमी आकर यहाँ सुरक्षित किया, अब थोड़ा फसल बचा ना कि बराबर। हम गरीब आदमी हमें ठेका ठुका लेकर अपने पेट पालते हैं, तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हूँ कि हमारे कम से कम जितने से जितनी मुआवजा हमें मिल सके। सर, यहाँ पे अज्ञात कारणों से आग लगी है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई जिस कारण से आग लगी है। यहाँ पे जो खेत जले बहुत ही गरीब लोगों के जले, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसमें मेरा भी खेत जल चुका है। लगभग 6 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया है, और अभी तक फायर ब्रिगेड जल ने आग बुझाने के बाद यहाँ पे पहुँची, सूचना शुरू में ही दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुँची है, जिससे गाँव के लोगों ने ही आग पे काबू पाया, और ट्रैक्टर द्वारा गेहूँ की जुताई की गई, और ट्रैक्टर से जुताई करते हुए गेहूं का भी नुकसान हुआ है। सर, क्या मांग कर रहे हैं सरकार? सर, मांग तो पिछले बार भी हमारे ग्राम सभा में गांव में अमर सिंह के गेहूं जला था, 1.5 एकड़ गेहूं जला था, अभी तक उसको भी मुआवजा नहीं मिला। ऐसी सरकार अंधी सरकार है, जो देखते हुए भी कुछ किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। पहली बात तो गेहूं बिक नहीं रहे, और अगर गेहूं कट भी गए हैं तो वो बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं, अभी तक सोसाइटी में कोई कांटा सेंटर नहीं लगा, इसलिए किसान भी ढीले हैं कि अगर सोसाइटी में कोई कांटा सेंटर लगता और हम अपनी गेहूं जल्दी से जल्दी कटवा पाते और हम लोगों की गेहूं बिक जाती। इसी वजह से किसानों का हर वर्ष नुकसान होता है, ग्राम सभा में दूसरी बार यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन जो राजस्व विभाग है वो भी कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि सेंटर अगर खुले हैं तो उस पर गेहूँ की तुलाई की जाए, अन्यथा किसान यहाँ के बर्बाद होने के कागार में है। पहले भी किसान बहुत दबे हुए हैं कर्जे में, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि आपने अगर सेंटर खोले हैं तो उस पर गेहूं की तौल क्यों नहीं हो रही है? कहीं तो आप कहते हैं कि लेबर नहीं है, कहीं आप कहते हैं कि यहां पे पैसा नहीं आएगा, आप गुमराह करके किसानों को वापस भेज देते हैं, किसान गुमराह हो रहे हैं। सरकार अंधी सरकार है, जो बिल्कुल किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सरकार से निवेदन करते हैं कि आप किसानों के बारे में कुछ सोचिए, अन्यथा आपको दूसरी बार यहाँ पर चांस नहीं दिया जाएगा। आप वोट मांगने के लिए गाँव में आएंगे तो आपको जनता यहाँ से भगाएगी और गाँव में घुसने नहीं देगी।